So after spending an amazing day in Pahalgam and the trek, we are finally leaving from here and leaving this amazing property. So we are staying over there at the top of Niche River. With this amazing view, we are leaving Pahalgam now, and we are moving ahead to our next day destination. Then we are going back to Srinagar again. But today's vlog will be completely on Aish Maqam Dargah. So this Dargah was featured in Bajan Ki Bhajan in the song Bhardo Jholi. So we'll be covering this place, ki kahan hai, kaise hai, kaise jana hai. Aaj Friday bhi hai, so we'll be Juma ki namaz hum wahi padhenge. So stay tuned for this vlog of how to reach Aish Maqam Dargah, which was used in Bajan Ki Bhajan. से वजू कर लूँ क्या? वजू आगे करो, सिर्फ पंजा करना है। साफ पानी है, तो मिनरल वाटर पहाड़ों का, नेचुरल पहाड़ से। नेचुरल मिनरल वाटर। दूर हो जाती है और 101 बीमारी। और भूख भी लगती है। भूख, तो ये देखते हैं। इस लग भी रहा ठंडा अच्छा। ठंडा ठंडा पानी फ्रेश। ये चंपा बहुत पर ये काटा मिक्सचर लाल मिर्च का वो ठंडा पानी फ्रॉम दिस नेचुरल माउंटेन सुपर चिल्ड। यहाँ माए हैं अखरोट के, उसमें ये अखरोट है। अरे मेरा दोस्त है जो अभी अखरोट चुराने वाला है, निकालने वाला है यहाँ से। निकाल हमारे देश। मुशीर वो बुला रहे, देख। हाँ जवाब तो कुछ है, ऐसे हम तोड़ सकते हैं इसका पीछा। अखरोट है, दिस इज अ रियल अखरोट जो हमने हाथ में रखोगे तो इसमें मेहंदी कलर आएगा। तो दिस इज अ अखरोट हमने तोड़े हैं ये सब झाड़ों में से, इसको से गिरी करके खाएंगे हम। चालू जाएगा। अच्छा Thank you.
तो हम अंदर जाके आ गए, एक गुफा है कब अंदर, एक रोज़े मुबारक है, फिर एक सांप है जो पत्थर बन चुका है, सो उसका करके आ गए हैं। नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ अशमुकाम। पीछे से व्यू देख लीजिए, पूरा तहसील पहलगाम है, पता है तहसील पहलगाम है ना, पूरा पहलगाम तहसील है एंड ये एरिया अशमुकाम है। यहाँ का कुछ पॉपुलेशन बस 6 या 7 हज़ार की पॉपुलेशन है एंड दिस इज़ द प्लेस एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये कुछ 6,000 फीट की हाइट पर है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, सी लेवल। थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ ऊपर और भी है लेकिन और ही तो कब्रें वगैरह ही है, कुछ ऐसा नहीं है। सो वो स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पर एक्चुअली वो कवाली शूट हुई थी। यहाँ डायरेक्ट आप कार से भी ऊपर आ सकते हो या तो फिर नीचे पार्किंग करके 10-15 मिनट चल के भी आ सकते हो। यहाँ पर ही उधर शूट हुई, यहाँ पर शूट हुई पिक्चर कवाली भर दो झोली। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस आई मीन द अशमुकाम दरगाह। तो यहाँ से वी आर गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर अगेन, तो वहाँ पर विल बी विजिट ऑन द वे एप्पल फार्म पे वापस जाएंगे, एप्पल जूस पियेंगे, देन वहाँ से काफ़ी लोगों से मेरे रिक्वेस्ट आया टू बाय ज़ाफरान एंड शिलाजीत फ्राम हियर, तो वो खरीदूँगा एंड देन वहाँ से विल बी गोइंग टूवर्ड्स अगेन बैक टू श्रीनगर। तो स्टे ट्यून्ड, अभी एप्पल फार्म और वो आने वाला है वापस केसर फार्म। सो अगेन हियर एप्पल फार्म, सो हियर द एप्पल फार्म अगेन, तो एप्पल जूस पियेंगे, फ्रेश होंगे, देन आगे जाएंगे केसर फार्म। वहाँ से बहुत सारे ऑर्डर एज आई सेड केसर के आए हैं और भी आ रहे हैं, so, जितने आए हैं उतने का विल टेक द केसर एंड मूव अहेड। फिलहाल के लिए जूस, फ्रेश फ्रेश एप्पल जूस। ये तो 1,000 से कितना निकलता होगा, से 2,500, 2-3 पेटी, 2-3 पेटी बस। ये भी छोटे हैं, इसको 10-15 साल हो गया, जब बड़ा होगा तो ये 40 पेटी देगा, 40 पेटी देगा बड़ा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे बड़ा लगेगा ना काला नमक और जूस, ऐसा कुछ नहीं, नेचुरल। हाँ वही चाहिए, काला नमक भी मत डालो, क्यों ये बगैर भी बहुत टेस्ट है, अच्छा लगता है। ठीक है वैसे ही पियेंगे। मुंबई से एप्पी फीस पीते हुए, नहीं नॉट फीस ओनली एप्पी, एप्पल जूस, एप्पल जूस, नेचुरल एप्पल जूस।
पीछे झाड़, यहाँ जूस। बाद ऐसा हो जाता है, फिर इसको छिलने के बाद हम ऐसा खाएंगे। फ्रेश फ्रेश अखरोट, इसमें तो ऑलरेडी जूस भरा हुआ है। तेल रितेश, तेल लग रहा पसंद है, थोड़ा खट्टा है, तेल अच्छा है। So we have reached this shop of Zamindar, Zamindar Kesar Mahal. उनका घर इधर है, पीछे फार्म है, एंड यहाँ ये रोड के ये पार भी शॉप है, वो पार भी शॉप है। सो ये हम जाएंगे, जितने भी मेरे को दोस्तों ने कहा है केसर लेने के लिए, सो वो लेंगे। तो आई हैव क्लोज टू 60-70 ऑर्डर्स, तो 60 से 70 ग्राम केसर लेना है, देन शीला जी, देन और भी बहुत कुछ है। सो वो लेते हैं, देन वील मूव टू अवर फाइनल डेस्टिनेशन। स्टार्टेड, ओके। दिखा दीजिए, लेकिन इसके आपको 6 ग्राम तो वी आर हियर बैक इन श्रीनगर, इन द हार्ट ऑफ श्रीनगर। यहाँ पर पीछे इधर लाल चौक है, या ज्वेलरी मार्केट है, या खाने की मार्केट है, सारी मार्केट के एकदम बीचों बीच में हमने होटल ले लिया है फॉर 2 डेज का स्टे। सो यहाँ अभी हम आज रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कल मॉर्निंग में विल बी गोइंग टू गुलमर्ग। सो हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा दैट इज विल बी गुलमर्ग, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड बताइएगा कैसा लगा आपको ये आज का ये ब्लॉग, जो ऐसे मुकाम गए थे वो, और जो केसर मार्केट एंड एप्पल मार्केट। तो बताइए कैसा लगा, स्टे ट्यून्ड फॉर अवर लास्ट व्लॉग ऑफ दिस सीरीज गुलमर्ग, जो कल जाऊंगा मैं, एंड विल बी पब्लिशिंग इट सून। तो अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, जॉय, बाय बाय।